थोड़ा सा टाइम और इतनी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आप इस तरीके से आलू सोयाबीन की सब्जी बनाकर ट्राई करेंगे तो सब आपकी तारीफें करते रह जाएंगे। आलू सोयाबीन की सब्जी बनाना बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती इसको बनाने में, बस थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को थोड़ा फ्राई करने में और उनको कुक करने में, लेकिन जब आप बाद में इसको खाएंगे तो इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी कि आप इसको खाते ही रह जाएंगे और साथ में ये हेल्दी भी रहेगी, सभी इसको खाना पसंद करेंगे। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे और उस बर्तन में सोयाबीन को ऐड कर देंगे। सोयाबीन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी सोयाबीन आपको आलू के साथ चाहिए उस अकॉर्डिंग आप सोयाबीन ले सकते हैं। और उसके बाद एक पैन लेना है और पैन के अंदर 2 गिलास पानी डालकर उसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और नमक को मिक्स करने के बाद इसमें सोयाबीन की बड़ी ऐड कर देंगे। नमक मैंने यहाँ पर इसमें इसलिए ऐड किया है क्योंकि जब इसमें सोयाबीन जो है वो फ्राई होगी उसके अंदर भी अंदर तक नमक जाएगा, बाद में वो बकबकी से नहीं लगेंगी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर लिया। और इसको अच्छे से उबाल लेंगे, लगभग 3-4 मिनट के लिए इसको हमें उबाल लेना है। और जब इसमें एक उबाल आ जाएगा उसके बाद इसको लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए और उबालेंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो सोयाबीन को उबालने के बाद अब ग्रेवी की तैयारी करना शुरू करते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 टमाटर को मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है और 4 प्याज को भी मैंने मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर सारी चीज़ों को ग्राइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्याज ग्राइंड कर लेंगे। तो प्याज को ग्राइंड करने के लिए मैंने ग्राइंडर जार ले लिया है और ग्राइंडर जार के अंदर सारे प्याज को ऐड कर देंगे। साथ ही में 7 से 8 लहसुन की कलियों को भी मैंने छीलकर रख लिया है। लहसुन की कलियां भी यहीं पर इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि वो प्याज के साथ अच्छे से ग्राइंड हो जाए। आलू सोयाबीन की सब्जी के अंदर जो लहसुन है इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो यहाँ पर प्याज के साथ ही इसको ग्राइंडर जार में ऐड कर देंगे। और उसके बाद ग्राइंडर जार का ढक्कन लगाकर इनको हमें पल्स मोड पर ग्राइंड कर लेना है। साथ में जो टमाटर हैं इनको भी हम ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर जार के अंदर डाल के। तो प्याज और टमाटर को ग्राइंड कर लेने के बाद अब सोयाबीन की वड़ी को पानी के अंदर से निकाल लेंगे और हमें इनको निचोड़ निचोड़ के पानी के अंदर से निकाल लेना है। ज़्यादा हमें इनको नहीं निचोड़ना, बस हल्का हल्का निचोड़ कर, बस 50% पानी इनके अंदर से निकल जाए उतना हमें इनको निचोड़ कर और साइड में एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है। और उसके बाद यहाँ पर हम एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई के अंदर हमें तेल ऐड कर लेना है। तेल की क्वांटिटी हमें ज़्यादा ऐड करनी है क्योंकि हम यहाँ पर सोयाबीन और आलू को फ्राई करने वाले हैं। तो तेल के गर्म होने के बाद यहाँ पर इसमें सोयाबीन ऐड कर देंगे। सोयाबीन को हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, ज़्यादा ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं और डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना है, बस थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बस इसके ऊपर हल्की हल्की गोल्डन लेयरिंग आ जाए, बस इतना हमें इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जो सोयाबीन है उसके ऊपर हल्की हल्की गोल्डन लेयरिंग आ चुकी है। अब यहाँ पर इसको कढ़ाई के अंदर से निकाल लेंगे, कड़छी की हेल्प से इसको आराम आराम से कढ़ाई के अंदर से निकाल लेना है। तो ध्यान रहे कि हमें इसको डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है, बस हल्की हल्की गोल्डन लेयरिंग आ जाए बस इतना हमें इसको फ्राई कर लेना है। और अब उसके बाद जो सेकंड बैच के हमारे सोयाबीन की वड़ी है उनको भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो सोयाबीन बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें आलू को फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 उबले हुए आलू लिए हैं, इनके अंदर 1/2 चम्मच नमक ऐड करके इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इनको मिक्स करने के बाद कढ़ाई के अंदर जो तेल है उसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू का यूज़ किया है, आप चाहे तो कच्चे आलू का भी यूज़ कर सकते हैं। लगभग 5 उबले हुए आलू मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो आलू को हमें हल्का फ्राई कर लेना है जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन लेयरिंग ना आ जाए। जब गोल्डन लेयरिंग आ जाएगी तब हम इसको निकाल लेंगे। अगर आप कच्चे आलू का यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कच्चे आलू को डीप फ्राई करना पड़ेगा। लगभग 60-70% आलू को यहाँ पर आपको कुक करना पड़ेगा। मैंने उबले हुए आलू लिए हैं इसलिए मैं यहाँ पर इनको डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करने वाली, बस इनको लाइट फ्राई करना है, हल्की हल्की गोल्डन लेयरिंग आ जाए। और गोल्डन लेयरिंग आने तक ही हमें इसको फ्राई करना है। इस तरीके से आलू को फ्राई करने से ये फायदा है कि जब आप इसको ग्रेवी के अंदर ऐड करेंगे तो इनकी शेप बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी, बिल्कुल मेंटेन रहेगी शेप इनकी, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। अगर आप इनको ऐसे ही उबालकर और कट करके उसके अंदर ऐड कर देंगे तो शेप इसकी बिगड़ जाती है, जो आलू है वो टूट जाता है, जिससे कि जो सब्जी है उसमें आलू बिल्कुल टूटे फूटे ही दिखते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर इसको थोड़ा फ्राई कर लेना है जिससे कि आलू की शेप बिल्कुल मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पर सारे आलूओं को फ्राई कर लिया है। उसके बाद जो कढ़ाई है उसमें थोड़ा तेल कम था तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा तेल और ऐड किया है। और तेल के गर्म होने के बाद यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जीरा और साथ में इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग। और इनके चटकने के बाद यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे जो प्याज था, जो प्याज को हमने ग्राइंड करके रखा था उसको यहाँ पर हम इसमें ऐड कर लेंगे।
प्याज को हमें ग्राइंडर जार के अंदर से बिल्कुल अच्छे से निकाल लेना है, चम्मच की हेल्प से उसको अच्छे से निकाल लें। किसी भी चीज़ को हमें वेस्ट नहीं करना है, ग्राइंडर जार के अंदर से प्याज को बिल्कुल अच्छे से साफ करके निकाल लेंगे। और कढ़ाई के अंदर प्याज ऐड करने के बाद हमें इसको गोल्डन कलर का होने तक कुक करना है, जब तक कि इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए तब तक हमें इसको कुक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने तेल का यूज़ कम किया है, इसलिए जो प्याज है वो धीरे धीरे जैसे जैसे गोल्डन कलर का होने लगेगा, जैसे जैसे पकेगा वो नीचे कढ़ाई में लगने लग जाएगा। तो इसका एक ही इलाज है कि हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, और पानी ऐड करने से जो प्याज है वो कढ़ाई में नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे, इसका पानी अच्छे से सूख जाए, इतना हमें इसको कुक कर लेना है। और देखिए यहाँ पर जो प्याज है उसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे हमारी जो टमाटो प्यूरी थी, जो टमाटर को हमने ग्राइंड करके रखा था उसको हमें यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर देना है। टमाटर को भी हमें अच्छे से कुक कर लेना है। तो अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसालों में सबसे पहले मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। इसमें ऐड करके सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से कुक होने देंगे। यहाँ पर इसका ढक्कन लगाकर आप इसको मीडियम फ्लेम पर कुक कर लें। अगर आप इसका ढक्कन लगाए बिना इसको कुक करेंगे तो इसमें जो छींटे हैं वो बाहर आती है, और उससे जो आपका है जलने के चांस भी रहते हैं। तो लगभग 10 से 15 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो चुकी है, और जब इसकी क्वांटिटी कम हो जाए, पानी सारा सूख जाएगा और थोड़ा तेल अलग दिखने लग जाएगा, उस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे हमारे फ्राई किए हुए सोयाबीन और आलू। और इनको ऐड करने के बाद इनको ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक छोटी सी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपकी ग्रेवी बिल्कुल थिक बनेगी, उसकी कंसिस्टेंसी थिक रहेगी, गाढ़ी कंसिस्टेंसी रहेगी, पानी बिल्कुल अलग अलग नहीं दिखेगा। तो आपको यहाँ क्या करना है कि जो आलू है उसकी 3 से 4 स्लाइसेस लेनी है, लगभग 3-4 स्लाइसेस को आपको यहाँ पर अच्छे से मैश कर लेना है। 3-4 स्लाइसेस बिल्कुल काफ़ी हैं, जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिक बनेगी। और उसके बाद इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। आप जब आलू को मैश करके इसके अंदर ऐड करेंगे, 3-4 स्लाइसेस को मैश करके इसके अंदर ऐड करेंगे, तो आप जो ग्रेवी बाद में देखेंगे वो बिल्कुल थिक बनने वाली है। तो यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 ग्लास के करीब पानी ऐड कर लेंगे। पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जैसी आपको इसकी थिकनेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 ग्लास पानी इसके अंदर ऐड किया है। और पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें हमें अभी 1 उबाल आने देना है। 1 उबाल आने तक हमें इसको अच्छे से कुक कर लेना है। तो अब लास्टली स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हमें यहाँ पर क्रश करके इसके अंदर ऐड कर देना है, जिससे कि खुशबू भी काफ़ी अच्छी आती है और कसूरी मेथी से सब्जी का टेस्ट भी एनहेंस हो जाता है। और यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद कड़छी की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर हमें इसमें 1 उबाल आने देना है। और यहाँ पर देखिए धीरे धीरे इसके अंदर उबाल आ गया है। अब मैं यहाँ आपको सब्जी की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि जो सब्जी की कंसिस्टेंसी है, जो ग्रेवी की थिकनेस है वो कैसी है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल जो पानी है वो आलू और सोयाबीन से अलग नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि पानी अलग है और आलू सोयाबीन बिल्कुल अलग पड़े हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है, एकदम मिक्स लग रहे हैं दोनों चीज़ें। ग्रेवी की थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है, दिखने में भी सब्जी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही है, और खाने में तो इससे भी कई ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पर जो सब्जी है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आलू सोयाबीन की सब्जी का कलर भी एकदम परफेक्ट आया है, ग्रेवी की थिकनेस भी एकदम परफेक्ट है, और खाने में तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी मेरे इस तरीके से सब्जी को बनाकर ज़रूर ट्राई करना, और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए बने रहें वेदास किचन के साथ।